कॉर्पोरेट कन्वेक्टर हीटर में हीटर चेंज करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसमें तीन टूल्स की जरूरत है, प्लायर, 2-5 स्क्रू ड्राइवर और कटर। सबसे पहले ये जो हीटर का स्टैंड है इसको हम खोलेंगे। खोलने के लिए यहाँ पे जो ये चार लॉक दिया है इसको हम पुश करके चार लॉक को निकाल लेंगे। इस तरह से ये स्टैंड निकल गया। इसके बाद ये जो रिंग है इसको हम निकालेंगे। रिंग को निकालने के लिए यहाँ से लॉकिंग किया हुआ है, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम ये जो नेट का जो हाउसिंग है इसको खोलने के लिए सारे स्क्रू जो है इसको हम खोलेंगे। टायर्स को निकल जाने के बाद ये जो नेट हाउसिंग है इसको हम निकालेंगे। इसके बाद फ्रंट कवर और बैक कवर के ये जो सारे स्क्रू है इसको हम खोलेंगे। तरह से ये फ्रंट कवर निकल गया है। इसके बाद ये जो हाउसिंग है इसको निकालेंगे। निकालने के लिए यहाँ पे बैक कवर में जो ये चार स्क्रू फिटिंग किया है इसको हम खोलेंगे। तरह से ये हीटर हाउसिंग में से निकल गया है। अब हम हीटर को चेंज करने के लिए इसके ये जो स्क्रू है चार इसको हम खोलेंगे।
अब हम हीटर का जो ये हीटर वन और टू का जो वायरिंग है इसको हम निकालेंगे। निकालने के लिए यहाँ पे जो स्विच में हीटर टू और हीटर वन लिखा है ये रेड वायर का कनेक्शन हम निकालेंगे। इस तरह से ये हीटर का कनेक्शन निकल गया। अब ये हीटर का जो ये वाइट वायर है मोटर का ब्लैक वायर के साथ वायरिंग किया है इसको हम काट देंगे। और इस तरह से अब यहाँ से ये जो न्यूट्रल वायर है इसको हम काट देंगे। इस तरह से हमारा हीटर निकल गया। अब हम नए हीटर को फिट करेंगे। फिट करने के लिए सबसे पहले जो ब्लोअर हाउस होंगे इसमें हम इसको हीटर को बिठा देंगे। इस तरह से उसके ऊपर माइका को फिट करेंगे और दो स्क्रू लगा देंगे। इसके बाद ये जो मोटर का ब्लैक वायर है ये इसके साथ वायरिंग करेंगे व्हाइट वायर के साथ। यहाँ पे अब हम केबल टाइप को लगा देंगे। इसके बाद ये जो हीटर का न्यूट्रल ब्लू वायर है ये पावर कोर्ड का ब्लैक वायर और इंडिकेटर का जो ये रेड वायर है इन तीनों वायर का जॉइंट करके वायरिंग कैप लगाएंगे। अब हम सिलेक्टर स्विच में हीटर का वायरिंग करेंगे। सिलेक्टर स्विच में दो नंबर लिखा है और एक नंबर है, ये दोनों में हीटर वन और टू का वायरिंग करेंगे। इसके बाद हम हीटर को लोअर असेंबली को बैक कवर में फिट करेंगे। फिट करने के लिए ये देखना जरूरी है कि ये फिटिंग होना चाहिए अच्छी तरह से। इसके बाद
ये जो हीटर का जो प्लेट है ये एयर आउटलेट के बीच में इसके नीचे होना जरूरी है। और इसके बाद इसका जो फिटिंग करने के लिए चार स्क्रू यहाँ से हम फिटिंग करेंगे। इसके बाद ये जो स्विच हाउसिंग है ये बैक कवर में बिछाना है। इसके बाद फ्रंट कवर को हम फिट करेंगे। इसके सारे स्क्रू को हम फिट करेंगे। अब हम नेट हाउसिंग को फिट करेंगे। फिट करने के लिए ये देखना ज़रूरी है, ये जो बड़ा वाला भाग है इसको ये लेफ्ट साइड में हीटर की फिट करेंगे। ये जो तीन लॉक है इसमें नेट हाउसिंग फिट हो जाने के बाद इसके सारे स्क्रू जो है इसको हम फिट करेंगे। Thank you.
अब हम फिट हो जाने के बाद ये सोरिंग को फिट करेंगे। सोरिंग को फिट करने के लिए ये डू नॉट कवर लिखा है, ये ऊपर की ओर आएगी। इसके सारे जो लॉक है इसको टेस्ट करके फिटिंग करनी है इस तरह से। इसके बाद स्टैंड फिट करेंगे। स्टैंड को फिटिंग करने के लिए ये जो चार लॉक है इसको फ्रंट कवर और बैक कवर के साथ मैच करेंगे और प्रेस करके लॉकिंग करेंगे। इस तरह से हमारा हीटर चेंज हो गया है।